मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हो चुकी है सुबह और मैं आ चुकी हूँ किचन में। सनू कर रही है किचन का काम। सनू कहाँ जा रही है? घूमती घूमती ऊपर ही घुमा रही है मुझे। तो सनू ने बोला है, मुझे एक काम दिया है वैसे, कि जीजी मैं खाना बना रही हूँ तो आप तब तक अनार तो जूस बना लो हम दोनों के लिए। तो चलिए गाजर का जूस बनाने का बनाते हैं। गाजर का जूस फ्रिज खोलते हैं। हाँ, वैसे रात को ही मैंने कट करके रख दी थी सारी गाजर, इसको एक बार और वॉश कर लेते हैं, फिर बनाते हैं गाजर का जूस। तो भाई साहब, ये हमारा जूसर मशीन रेडी है और अच्छे से कट तो रात को ही कर दी थी और अच्छे से अब मैंने इसको धो लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जूस बनाना। तो चलिए करते हैं। बनकर रेडी है हमारा दो ग्लास जूस, जिसमें मैं और सनू हम दोनों ही पीने वाले हैं। और एक बात कि सिर्फ दो ग्लास जूस बने, उसमें आप देखिए वेस्टेज कितना सारा हो गया। पर क्या करें, पीना तो ज़रूरी है, डाइट चल रहा है हमारा। फिलहाल हम ये रख देते हैं जूस। वैसे तो पूरी रात तो उसमें ही था, फ्रिज में ही था ये सारा कैरेट, पर फिर भी थोड़ा चिल्ड कम है इसलिए थोड़ा रख देते हैं ताकि और हो जाए चिल्ड। थोड़ी देर से पीते हैं। यम्मी। भाई आटा हमारा गूंथ के रेडी हो चुका है और सनू बनाएगी अब चपाती। तब तक मैं ना तो रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि हमें जाना है कहीं मंदिर, सनू लेके जा रही है। तो चलो मिलते हैं। होकर हो चुके हैं रेडी और जूस वगैरह भी पी लिया था, थोड़ा बहुत कुछ खाना था फ्रूट्स वगैरह वो भी ले लिया हमने। तो अब चलते हैं महादेव जी के मंदिर, क्योंकि आज है सोमवार और सनू का आज है फास्ट। तो चलिए चलते हैं और महादेव जी के दर्शन करवाते हैं। तो निकल रहे हैं मंदिर के लिए। गोलू हमारा देख रहा है टीवी। लिफ्ट के बाहर भाई आए थे शिव जी के दर्शन के लिए, मगर हमारी सन्नू कम से कम 1 किलोमीटर तो हमें चला चुकी है। चलते चलते आधा घंटा हो चुका है और अभी तक नाम है नहीं है कि मंदिर है कहाँ पे। सनू और कितना दूर है? आ गया, थक गए बुरी तरह से। बड़ौदा में घूम रहे हैं फ्रेंड्स। ये रहा मंदिर ना। ये सनू, ये कौन सा लोकेशन में होता है वैसे? लोकेशन कुछ पता है कौन सा है? परशुराम। भीमनाथ महादेव, जो कोई भी बड़ौदा से होगा उनको ये लोकेशन अच्छे से पता होगी। ये रहा महादेव जी का भव्य मंदिर। बारिश हो रही थी फ्रेंड्स, इसलिए सब गीला हो चुका है। फाइनली आ गया मंदिर हमारा, श्री भीमनाथ महादेव। बड़ौदा में है फ्रेंड्स ये मंदिर।
नदी की परिक्रमा लगाते हुए। काफ़ी बड़ा मंदिर है फ्रेंड्स, अंदर अनुमति नहीं है शायद फुटेज लेने की, इसलिए हम नहीं लेंगे। दर्शन अच्छे से कर लिए हमने फ्रेंड्स, अब चलिए चलते हैं वापस घर। फाइनली आ चुके हैं दर्शनम सोसाइटी, थक गए, बहुत चला दिया तनु ने, बहुत ज़्यादा ही चला दिया, चलते चलते हालत ख़राब हो गई। अब चलिए मिलते हैं सीधा आपको घर पर। वडोदरा बहुत ही नीट एंड क्लीन सिटी है फ्रेंड्स, और सोसाइटी भी बहुत ही लाजवाब है। गार्डन वगैरह बहुत अच्छा है। और फ्रेंड्स आपको थोड़ा सरप्राइज होगा, मगर इस बाउंड्री के उस पार बड़ा सा नाला है। पहले बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी, पर अब ये सोसाइटी बनने के बाद में थोड़ा कम हो गया। ये आप देखिए, वहाँ पर बहुत से क्रोकोडाइल भी होते हैं। दूर से पता नहीं, दिखा नहीं दे रहा होगा आपको, पर हाँ यहाँ पर खूब सारे क्रोकोडाइल भी है। जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है तब ये सारे क्रोकोडाइल बाहर आते हैं। यहाँ पर ये लोग सब ये वाला नज़ारा देखते हैं। हमको नसीब में नहीं है क्योंकि बारिश हो ही नहीं रही है, सिर्फ पसीना है और कुछ नहीं है, गर्मी है। पर हाँ एक बार और, सोसाइटी बहुत अच्छी है, एक नंबर। ये रहा फूल, पर फिलहाल कोई नहीं है अंदर, शाम को सब आएंगे। अभी बहुत गर्मी है और धूप है, इसलिए कोई आया ही नहीं। शाम को सब इकट्ठा होंगे, शायद हम भी आज लुत्फ़ उठा लें स्विमिंग पूल का, देखते हैं। फिलहाल हमें जाना है सी विंग में, जो कि है सामने। ये देखिए दर्शनम सोसाइटी, उड़ जा फटाफट। फाइनली पहुंच चुके हैं सोसाइटी के गेट के पास, और सर्दी लग रही है। अब लिफ्ट और जाएंगे ऊपर और रेस्ट करेंगे थोड़ा, क्योंकि बहुत ही परेशान हो गए चल के आए जो। तब मिलते हैं अब थोड़ी देर से। ओ बापरे बापा, एसी तो नहीं है पर फैन चालू है लिफ्ट में। बंद कर, कौन कौन करेगा चलेगा ऐसे कैसे चलेगा पापा, अपना आप ही बताओ। वीडियो में इतने गुण हो गए कि याद ही नहीं रहा कि लिफ्ट को ऊपर के लिए पिन आउट भी करना है। बड़ी रेत तो आ चुके हैं फाइनली कमरे में। ओ बापरे बापा, यहाँ पर तो कूलर चालू है, अंदर है एसी, जहाँ पर सब बच्चे और दादी वगैरह सब सोए हुए हैं, तो उनको डिस्टर्ब ना करते हुए यही थोड़ी आराम करके फिर चलते हैं मार्केट, जहाँ से कुछ सामान लाना है, और बड़ौदा का मार्केट भी देख लेंगे कैसा है। तो चलिए अब मिलते हैं थोड़ी देर से। बाय। ये हो चुके हैं रवाना, गाड़ी बुक कर दी थी, आ गई टैक्सी, जा रहे हैं मार्केट, बड़ौदा के मार्केट। चलिए वडोदरा के मंगल बाजार में कुछ शॉपिंग करने के लिए। साड़ी की दुकान पे रुके हैं, कुछ साड़ियाँ देखी है, बैठे सब हम। भाई सनु खरीद रही है कॉस्मेटिक सामान, पता नहीं इस लड़की को कितना शौक है सारी चीज़ें खरीदने का। क्यों टाइम पास करोगे यार? कहाँ टाइम पास, टाइम पास तुम करा रही हो हमको, मुझे लेना कुछ है नहीं है, इसके साथ में मुझे भी घुमा रही है वडोदरा के मंगल मार्केट। दो दो साड़ियाँ ली, देखो मैंने नहीं लिए, मैंने नहीं लिए, इसने लिए।
तो बड़ौदा में हमें मिले हैं ये भाई साहब जो बोल रहे हैं कि मेरी मासी भी रहती है पाली और हम भी हैं पाली से, तो कुछ कहना चाहते हो आपकी मासी को? जाकर हाँ तो आना, अब जब भी पाली हो हमारे यहाँ पर भी आना, वेलकम है आपका पाली में। चलिए वडोदरा की मंगल मार्केट फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी अच्छी रीजनेबल प्राइस में आपको सामान मिल जाता है। दे रहे हम कर रहे शॉपिंग, तो पहुंच चुके हैं शॉपिंग सारी करके, ये देखिए जा रहे हैं अंदर घर। तो ये शॉपिंग की थी दो साड़ी ली हमने, ये हमारे आलू के लिए लेके आए थे, उसके लिए एक ड्रेस लेके आए बुआ जी की तरफ से, और ये कुछ बक्कल लाई मैं मेरी गुड़िया रानी के लिए, नानुड़ी के लिए। गुड्डी आ जा तेरे लिए क्या लाई टेक में। हो चुकी है शाम और बच्चों को लेके हम आ गए हैं स्विमिंग पूल स्विमिंग करने के लिए। ये रहा गोलू जो आगे जा रहा और ये गुड़िया रानी, गुड्डी को आती नहीं स्विमिंग इसलिए टायर लेके चल रही है। ये गोलू गया, ये गुड्डी जा रही है। गुड्डी इधर देखो गुड़िया, ए गुड्डी कोई बात नहीं करो स्विम करेंगे, जोर से पास में आके पैर बांधा। ए छोटे वाले इधर आ जा, कैसा लग रहा है स्विमिंग करके? भाई आता नहीं इसलिए क्या ना। भाई स्विमिंग करके आने के बाद में सन ने खाना बना के तैयार रख दिया था, तो बस हम वही खा रहे हैं। मस्त पेट वाला चूरमा है बाटी का, और चटनी है टमाटर की और मिर्ची की, और ये अदरक सिंह टमाटर की चटनी, बाटे सलाद और दाल भी है, वो मैं बाद में लूँगी। तो चलिए खाना खा के मिलते हैं।